The assembly polls in Jharkhand, BJP leader Anurag Thakur has hit out at the Opposition India bloc and said that in order for Jharkhand to progress and become developed, it must rid itself of infiltrators. The former union minister accused them of capturing the state resources like land and water. He further urged voters to continue their support for BJP in the upcoming second phase of the elections. Developments there coming in at this point of time ahead of the second phase of the Jharkhand Assembly elections. My colleague Manohar is with us on the broadcast. Manohar, take our viewers through the statements that have now been made by Anurag Thakur. He's of course spoken about infiltrators. बिल्कुल, इस बार जो झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव में आप देखेंगे, पहले फेज हो या 20 नवंबर को दूसरे फेज का चुनाव हुआ है, इसमें मेन मुद्दा जो चुनाव एनडीए की ओर से बीजेपी की ओर से रखा गया है वो घुसपैठियों को लेकर के रखा गया है। जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं और उनका आधार कार्ड बनाया जाता है, उसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे में अनुराग ठाकुर ने देवघर जो बाबा वैद्यनाथ धाम है वहां पर उन्होंने कहा है कि झारखंड को घुसपैठिया जो इन्फिल्ट्रेटर है उनसे मुक्त होना चाहिए, उनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। और इतना ही नहीं, आप देखिए सिर्फ अनुराग ठाकुर ही नहीं, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात को कहा है कि किस तरह से आदिवासियों की संख्या कम हुई है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कई जनसभाओं और बड़ी रैलियों में भी झारखंड में उन्होंने ये बात कही है। तो उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब चुनाव प्रचार के दौरान अनुराग ठाकुर ने ये बात कही है, उन्होंने कहा है झारखंड को पूरी तरह से जो है सो घुसपैठियों से मुक्त कर देना चाहिए, तभी झारखंड वासियों का विकास होगा, झारखंड के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। जी फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू द न्यूज़ एक्स YouTube चैनल, हिट द बेल आइकन।